सामने आया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी जो मानवता के दुश्मन है, उन्होंने ये खूनी खेल खेला है। जिसने भी ये साजिश की है और जो जो इस आतंकी हमले में शामिल है वो नहीं बचेगा। जमीन के पाताल से भी ढूंढ निकाल कर ऐसे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो पुलवामा के अंदर एक कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा जी पर जो कातिलाना हमला किया है, माइनॉरिटी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कायर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। जब कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा, शांति, सौहार्द ये मजबूत हो रहा है, लोग बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी बीच कायर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है और पुलवामा के शहर में बाजार जाते हुए एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा जी की निर्मम हत्या की है। ये नाकाबले बर्दाश्त है। जो जो इस आतंकी हमला करने में शामिल है, इस षड्यंत्र में जो जो शामिल है, जो जो आतंकवादी हैं या आतंकवादियों के जो जो मददगार हैं, जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये महापाप किया है, उनको इस अपराध की किलिंग अब रुकेगी सर। बात है टारगेट किलिंग की, लगातार टारगेट किलिंग, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो पुलवामा के अंदर एक कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा जी पर जो कातिलाना हमला किया है, माइनॉरिटी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कायर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। जब कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा, शांति, सौहार्द ये मजबूत हो रहा है, लोग बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी बीच कायर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है और पुलवामा के शहर में बाजार जाते हुए एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा जी की निर्मम हत्या की है। ये नाकाबले बर्दाश्त है। जो जो इस आतंकी हमला करने में शामिल है, इस षड्यंत्र में जो जो शामिल है, जो जो आतंकवादी हैं या आतंकवादियों के जो जो मददगार हैं, जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये महापाप किया है, उनको इस अपराध की किलिंग अब रुकेगी सर। बात है टारगेट किलिंग की, लगातार टारगेट किलिंग, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।